कार्यवाही का क्या समय निर्धारण किया? कार्यवाही का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होना है और 17 तारीख तक इसको जो है रिपोर्ट माननीय अधिवक्ता कमिश्नर को प्रस्तुत करना है। जो मस्जिद के अंदर जाने की बात है, क्या अब उसकी इजाजत मिल गई है? मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत मिल गई है? बिल्कुल। दूसरा जो हमारा प्रार्थना पत्र था कि हम लोगों को मस्जिद या मस्जिद का जो बैरिकेटिंग अंदर विवादित परिसर जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें प्रवेश कराया जाए। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रशासन को शासन को आदेश दिया है कि हर हाल में इनको इस टीम को परिसर में प्रवेश कराया जाए, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर इनको प्रवेश कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिवादी वादी सारे पक्ष रहेंगे। अगर इसमें कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न करता है उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया। आप लोग पिछली बार सर्वेक्षण करने गए थे तो प्रतिवादी पक्ष ने बैरिकेडिंग। तो हिंदू पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये साफ कहा है कि 17 मई के पहले कोर्ट कमिश्नर को पूरी रिपोर्ट सौंपनी है माननीय अधिवक्ता को। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई भी बाधा डाले इस वीडियोग्राफी में, जो अब मस्जिद के अंदर तहखाने तक हर जगह तक होनी है, तो फिर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। इसी के साथ जो कोर्ट कमिश्नर पर सवाल खड़े किए गए थे उन्हें हटाया नहीं किया गया है। विशाल सिंह और अजय सिंह दोनों ही अब कोर्ट कमिश्नर होंगे। 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा और उस सर्वे को रोकने या फिर टोकने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट ने एक बार फिर से यह साफ और स्पष्ट कर दिया है कि दंडात्मक कार्रवाई होगी अगर कोई भी वीडियोग्राफी को रोकने की कोशिश करेगा।